पिछले सीजन में हमने देखा बाम रेचर का पीछा करते हुए टावर पर चढ़ने चला जाता है और वहाँ के टेस्ट क्लियर करते हुए बहुत सारे दोस्त बनाता है। तो हम देखते हैं एक लेवल पर उसे रेचर मिल जाती है पर वो जख्मी हो जाती है। तब बाम फिर से उसके लिए टावर पर चढ़ने का डिसाइड करता है ताकि वो रेचर को तारे दिखा सके और इसमें उसके दोस्त भी उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। पर हम देखते हैं आखिरी टेस्ट में रेचल बाम को धोखा दे देती है और सबको ये पता चलता है कि बाम मर चुका है। तब सभी लोग बाम के लिए रेचल को टॉप पर पहुंचाने का डिसाइड करते हैं और यहाँ हम देखते हैं बाम अभी भी जिंदा होता है और तब एक नेविगेटर उसे ट्रेन करने का वादा करती है ताकि वो ताकतवर होकर अपने सवालों के जवाब ढूंढ सके। और अब आखिर तब यहाँ नेविगेटर कहती है अब टावर का अंत स्टार्ट हो चुका है। तब यहाँ यूरी ग्रीन अप्रैल और ब्लैक मार्च को लेकर वापस कैसल पहुँच जाती है जहाँ वो दूसरी प्रिंसेस से मिलने जाती है। तब वो प्रिंसेस उसे ग्रीन अप्रैल को वापस हासिल करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उससे वहाँ आने का कारण पूछती है। तब यूरी कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारे पास एक रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ। तब प्रिंसेस कहती है क्या तुम फिर से चाहती हो कि मैं उस लड़के को ढूंढूं? वो अब तक मर चुका होगा। तब यूरी कहती है उसने मेरी रिस्पेक्ट हासिल की है तो इसलिए वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। तब प्रिंसेस कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं उसे जरूर ढूंढूंगी पर उसके बदले में तुम्हें मेरे लिए ये लाना होगा। तब वो दोनों एक दूसरे के साथ डील कर लेती हैं और वो प्रिंसेस अपने आसपास बहुत सारे लाइट हाउसेस को बुला लेती है और कहती है अब मैं और ज्यादा बोर नहीं होंगी और वैसे भी प्रिंस और जहाज थोड़ी देर में वापस आने वाले हैं। तो यहाँ जहाँ हमें बताता है जहाँ पर मैं इस टाइम हूँ वो टावर का 20th फ्लोर है जहाँ पर उन रेगुलर्स को दोबारा से टेस्ट किया जाता है जो कि पहले से ही टावर के अंदर एंटर हो चुके हैं। और यहाँ पर जब तक आप टेस्ट को पास करके ई रैंक हासिल नहीं कर लेते तब तक आप टावर पर और ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ सकते। यहाँ पर टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल है और उसकी एग्जामिनेशन फीस भी बहुत ज्यादा है जिस वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टावर पर चढ़ने का सपना छोड़ चुके हैं। सबका कहना है कि ई रैंक फिल्टर एग्जाम हेवन तक जाने का छोटा रास्ता है और ये एक ऐसी वॉल है जिसे बहुत से लोग पार नहीं कर पाते हैं। तो चलो फिर आज मैं इसे तोड़ दूंगा। पर तभी एक लड़की वहाँ पर मौजूद सभी कॉम्पिटिटर्स को जला देती है जिस वजह से जास उस टेस्ट में फेल हो जाता है और घर में आकर कहता है जब मैं किंग बन जाऊंगा तब मैं उस लड़की को पूरे दिन किचन में जलाता रहूंगा। आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की। तब यहाँ जा से मिलने कुछ लोग आ जाते हैं जिनसे उसने पैसे लिए होते हैं और तब वो उन पर हमला करके वहाँ से भागने लगता है। तब किम कहता है तुम्हें क्या लगा कि अगर तुम अपना घर और फोन नंबर चेंज कर लोगे तो क्या हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं तो तुम टेस्ट में फिर से फेल हो गए हो। तो चलो फिर तुमने जो हमसे पैसे लिए हैं उन्हें वापस कर दो। मैं वो पैसे वापस दे दूंगा। पर तुम ऐसा कैसे करोगे क्योंकि अगर तुम 100 सालों तक काम भी करोगे फिर भी तुम पैसे वापस नहीं कर पाओगे। चिंता मत करो मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। तब किम उसकी बात को मान लेता है और उसे अगले टेस्ट के पैसे देकर उससे एक डील साइन करवा लेता है कि अगर वो अगले टेस्ट में पास नहीं हुआ तो वो उसके ऑर्गन्स बेच देगा जिससे जा बहुत ज्यादा डर जाता है। तब हम देखते हैं वहाँ वो लड़का जा को खाना देने आ जाता है जो कि उसके साथ पिछले दिन टकराया हुआ होता है। तब जा को पता चलता है कि निया की सिचुएशन भी उसी की जैसी है और वो भी अब टेस्ट का सपना छोड़कर काम कर रहा है। तब जा कहता है मुझे लगा था कि मैं इस बार पास हो जाऊंगा पर फिर किसी की वजह से मैं हार गया। पर जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें हार नहीं माननी चाहिए। तब हम देखते हैं जा के हाथ में जो अंगूठी होती है उसमें किंग जहाज का साइन बना होता है और तब निया जाने से पहले जा को एडवांस में ही खाने का कूपन देकर जाता है ताकि वो पास होने के बाद एंजॉय कर सके। तब जा कहता है इसके लिए थैंक यू जब मैं किंग बन जाऊंगा तब मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी शॉप खोल दूंगा। और तब जा फिर से टेस्ट देने चला जाता है जहाँ पर उसके फर्स्ट एग्जाम में उसे 30 मिनट्स के लिए सर्वाइव करने के लिए कहा जाता है और तब हमें पता चलता है कि वहाँ पर हर एक कॉम्पिटिटर हर 3 मिनट के अंदर एंटर करेगा और जो अंदर चले जाएंगे वो एक दूसरे पर अटैक कर सकते हैं और जो ऐसा नहीं करेगा वो टेस्ट में फेल हो जाएगा और जो लोग 30 मिनट तक टिके रहे वो अगले लेवल पर जा पाएंगे। तब जा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही रूम के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि बाम ने सबको अकेले ही हरा दिया होता है जिस वजह से वो पूरी तरह से डर जाता है और वो बाम के साथ दोस्ती करने के लिए आगे है और उसे अपनी बातों में फंसाने लगता है पर बाम उसे इग्नोर करके बैठ जाता है। तब जा बाम से उसका नाम पूछता है पर बाम उसे कुछ नहीं बताता। तब वहाँ पर एक और पर्सन आ जाता है जिससे डर कर जा उससे भी दोस्ती करने की कोशिश करता है और यहाँ हम देखते हैं ऐसा करते करते वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होने लगते हैं। तब जा सोचता है रुको जरा क्या ये ई रैंक एग्जाम
इतने आराम से और केयर फ्री होना चाहिए था। क्या इन्हें सच में लगता है कि इस तरह ये पास हो जाएंगे? क्या हमें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अपने कॉम्पिटिटर्स को हराना नहीं चाहिए ताकि हमें बाद में मुश्किल ना आए? तमीज सैंग कहती है, मैं पहले बहुत ज्यादा नर्वस थी पर यहाँ पर तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तौजा कहता है, कुछ भी गलत मत समझो, मैं यहाँ पर अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहा हूँ तो इसलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ कि किसी के भी साथ फ्रेंडली मत होना, और अगर तुम्हें यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं तुम्हें मारकर अभी समझा देता हूँ। पर गोसेंग उसे चुप रहने के लिए कहती है, मैं ये सब कुछ उसके भले के लिए कह रहा हूँ, अगर वो ऐसे ही सोचेगी तो वो मारी जाएगी। तुमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ग्रुप में 20th फ्लोर पर आते हैं, पर जो लोग यूजलेस होते हैं उन्हें उनका ग्रुप यहीं छोड़ जाता है। तमीज सिंह रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर देना कि मैं बहुत ज्यादा यूजलेस हूँ, मैं टावर पर इसलिए चढ़ना चाहती हूँ ताकि मैं अपने मॉम डैड को देख सकूं। तब गोसेंग उसे चुप कराने लगती है। तब वहाँ पर एक और प्लेयर आ जाता है और वहाँ पर 10 बंदे पूरे हो जाते हैं। तब हॉन कहता है, तो तुम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि तुम लोग यहाँ पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे, ये सच में बहुत कमाल का आइडिया है। पर अगर सोचो कि अगला एग्जाम अगर ग्रुप का हुआ तो फिर तो लड़की और बच्ची तो हमारे रास्ते में ही आएंगी, तो क्या तुम लोग खुद यहाँ से बाहर निकल जाओगे? तो चलो फिर वोट कर लेते हैं, किसको लगता है कि ये हमारे रास्ते में प्रॉब्लम बनेगी? तर्जा हाथ खड़ा करता है और कहता है, तुम सही कह रहे हो, तो इसलिए हमें सबसे पहले तुम्हें बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि हमें स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर्स को पहले ही रेस से बाहर कर देना चाहिए ताकि वो बाद में पंगा न खड़ा करें। तो बताओ कौन कौन इसके लिए वोट करेगा? तब आम कहता है, वोटिंग की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम सभी लोग यहाँ से बाहर जा रहे हो। तब हॉन शिनसू से एक हथियार बना लेता है और उसे बाम की तरफ पॉइंट करके कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो, मैं बिना लड़े यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाला। पर तभी बाम उस पर हमला कर देता है पर हॉन उससे बच जाता है। तब जा सोचता है, ये तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है पर ये हम पांचों के सामने बिल्कुल नहीं टिक सकता। तब कांग बाम को रोकते हुए कहता है, ये 20th फ्लोर है तो इसलिए यहाँ पर तुम अकेले किसी को भी नहीं हरा पाओगे। तब बाम कहता है, चिंता मत करो, तुम सभी लोग यहाँ पर फेल होने वाले हो। तब कांग जैसे ही बाम पर हमला करने लगता है हॉन उन दोनों पर हमला कर देता है पर वो दोनों बच जाते हैं। तब बाम और कांग आपस में लड़ने लगते हैं पर हॉन बार बार उन पर दूर से हमला कर रहा होता है जिससे कि कांग को गुस्सा आ जाता है और वो हॉन पर हमला कर देता है। पर तभी वहाँ पर बाम अपने शिनसू से एक जोरदार धमाका करता है। तब जा कहता है, क्या ये एक वेव कंट्रोलर है? तब गोसेंग कहती है, उसके कपड़ों को ध्यान से देखो, ये एक फग है जो कि बहुत बड़ा क्राइम ग्रुप है और वो सभी लोग जहाद के खिलाफ है। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे किसी को देख रही हूँ पर मुझे पूरा यकीन है कि जैसा निशान इसके कपड़ों पर है वो एक फग के मेंबर के पास ही होता है। तर्जा कहता है, क्या तुम मजाक कर रही हो, आखिरकार एक फग का मेंबर 20th फ्लोर तक कैसे पहुंच सकता है? पर अगर ये सच है तो हम सभी लोग मरने वाले हैं। तब होन और कांग मिलकर बाम को हराने का डिसाइड करते हैं और हम देखते हैं कांग बाम को पकड़ लेता है। तब होन बाम पर शिनसू से हमला कर देता है पर हम देखते हैं बाम कांग की कैद से छूटकर होन पर शिनसू से हमला कर देता है जिससे होन दूर जाकर गिरता है। तब बाम कांग को भी दूर फेंक देता है और तब यहाँ जा कहता है, हम इसके सामने नहीं टिक सकते पर अब इस स्टेज को क्लियर करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, अगर हम इससे 30 सेकंड और बचे रहे तो हम भी टेस्ट जीत जाएंगे। और तब वो लोग अलग अलग साइड भागने लगते हैं और जापनी पूरी ताकत के साथ बाम से बचने की कोशिश करने लगता है और कहता है, मैं टावर के टॉप पर पहुंच के ही रहूंगा, जिसे सुनकर बाम को रेचल की याद आ जाती है और जा उस पर बॉम्ब फेंक देता है जिससे बाम जख्मी हो जाता है। तब हॉन जा को फिर से बाम पर हमला करने के लिए कहता है और जा फिर से एक बॉम्ब को बाम के ऊपर फेंक देता है पर इस बार बाम खुद को बचा लेता है और वो अपनी पावर के जरिए अपने आप को हील कर लेता है। तब बाम जैसे ही जा पर हमला करने लगता है वैसे ही हम देखते हैं वो टेस्ट खत्म हो जाता है और उन सभी को लड़ाई करने से रोक दिया जाता है। तब एग्जामिनर सभी को एलिवेटर के जरिए अगली लोकेशन पर जाने के लिए कहता है और यहाँ बाम को जा को देखकर कुन और रेचल की याद आ जाती है। तब यहाँ सभी लोग अगले टेस्ट के लिए पहुँच जाते हैं और वहाँ पर सभी को बाकी सभी के आने का इंतजार करने के लिए कहा जाता है। तमी सेंग सभी को चॉकलेट देती है पर उनको कुछ नहीं मिलता है। तमी सेंग बाम को भी चॉकलेट देने चली जाती है और बाम उस चॉकलेट को ले लेता है। तब गोसेंग कहती है, आखिरकार तुम इतने डेंजरस आदमी को चॉकलेट क्यों दे रही हो? तमी सेंग कहती है, मेरे मॉम और डैड ने कहा था कि हमेशा उन बच्चों के साथ अच्छे बनकर रहना जो अकेले होते हैं। तब यहाँ बाम को रेचल की बातें याद आ रही होती है जहाँ रेचल उसे टावर के बारे में बता रही होती है। तब वहाँ पर और भी कॉम्पिटिटर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और जा नियो को वहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी उसे वो लड़की भी दिखाई देती है जिसकी वजह से वो पिछली बार
टेस्ट में फेल हुआ होता है और तब वो उसे घूरने लगता है। तगोसेंग कहती है, क्या तुम्हें जेलसी हो रही है कि उस लड़की के पास इतनी क्यूट लड़की है? ऐसा कुछ नहीं है, जरा उस लड़की के हेयर बैंड को देखो, वो एक जियोन है। तनिया कहता है, आखिरकार जियोन फैमिली की लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? जियोन तो 10 ग्रेट फैमिलीज में से एक है ना। तभी जा देखता है कि किम भी वही मौजूद होता है। तब वो जा से मिलने आ जाता है। तब जा उसके वहाँ आने का कारण पूछता है। तब किम कहता है, मैं एक रेगुलर हूँ तो मैं यहाँ पर टेस्ट देने आया हूँ। क्या तुम उस लड़की को वहाँ पर देख रहे हो? वो प्रिंस है, हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट का बेटा। वो अपने डैड की पैसे की पावर से 20th फ्लोर तक पहुँच चुका है और उन्होंने ये सब कुछ उनके साथ के कॉम्पिटिटर्स को फिक्स करके किया है। जो भी बंदे तुम इसके साथ देख रहे हो वो सारे इसके बॉडीगार्ड्स हैं और वो सारे बहुत ज्यादा बेरहम हैं और इनमें से एक पर्सन तो बहुत ज्यादा खतरनाक है जिसे डेविल का राइट आर्म कहा जाता है। और जो लड़की इसके साथ बैठी है वो जियोन फैमिली से है और वो रेगुलर्स को जलाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, पर वो टेस्ट में फेल हो गई थी जिस वजह से उसने हमसे पैसे उधार ले लिए और अब यहाँ हमारे साथ है। और जब इतना सब कुछ चल ही रहा था तब मैंने सोचा कि मैं भी बहती गंगा में हाथ धो ही लेता हूँ, तो इसलिए मैंने टावर पर चढ़ने का डिसाइड कर लिया है। आखिरकार तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो? तुम मेरे पुराने कस्टमर हो और प्रेसिडेंट के बेटे ने कहा है कि वो अगले टेस्ट में तुम सभी को हरा देगा, तो इसलिए तुम सभी लोग जरा सतर्क रहना। तब वहाँ पर उनका एग्जामिनर आ जाता है और कहता है, पहले टेस्ट को पास करने के लिए कांग्रेचुलेशंस। तो अब तुम्हारा सेकंड टेस्ट स्टार्ट होता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें तुम शिंसु यूज करके अपनी बॉडी को ताकत दोगे और ये तुम्हारी ताकत को एनालाइज करेगा और उसके बाद तुम्हारे स्कोर इस डिस्प्ले पर शो होंगे और जो टॉप 8 होंगे वही आगे बढ़ पाएंगे। तब जा सोचता है, ये तो पावर टेस्ट है और ये मेरे लिए बहुत बुरी बात है। तब हम देखते हैं नाम के अकॉर्डिंग एग्जामिनर सभी को आगे बुलाना स्टार्ट कर देता है। तब सबसे पहली बारी जा की होती है और यहाँ थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जा ऑलरेडी 10th नंबर पर चल रहा होता है और सोचता है, आखिरकार ये क्यों हो रहा है? क्या टावर पर सिर्फ वही लोग चढ़ सकते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा शिंसु होता है? तब प्रिंस कहता है, ये टेस्ट तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो रहा है, चलो एक डील करते हैं, जो भी फर्स्ट आएगा वो जीवा को रख सकता है। तब जीवा इस बात के लिए मना करने लगती है। तब प्रिंस कहता है, तो फिर ठीक है, अगर तुम फर्स्ट आओगी तो तुम्हें तुम्हारी आजादी मिल जाएगी। और तब जीवा इस बात के लिए मान जाती है। तब कांग कहता है, तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो, पर भूलो मत कि एक दिन कोई तुम्हारा भी अंत कर देगा। तब हम देखते हैं कांग मुक्का मारकर टॉप पर पहुंच जाता है। तब प्रिंस का बॉडीगार्ड आ जाता है और वो कांग से भी ज्यादा पॉइंट इकट्ठे कर लेता है। तब जीवा मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ती है पर उसका पैर फिसल जाने की वजह से उसका मुंह उस बॉल पर जा लगता है, पर हम देखते हैं फिर भी उसके पॉइंट सबसे ज्यादा आते हैं। तब प्रिंस टेस्ट देने चला जाता है पर हम देखते हैं वो अपने बॉडीगार्ड की स्ट्रेंथ की वजह से टॉप पर पहुंच जाता है। तब जीवा इसके लिए एग्जामिनर को बोलने लगती है पर एग्जामिनर कुछ नहीं कहता। तब प्रिंस कहता है, चलो अब हार मान लो क्योंकि अब तुम मेरी हो। तब हॉन हंसते हुए कहता है, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम यहाँ पर सबसे ताकतवर हो? जरा इसकी तरफ देखो, ये यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और तब बाम आगे चला जाता है और बॉल के पास जाकर सिर्फ उसे अपने शिंसु से छूता है जिससे सभी लोगों को उसकी पावर का एहसास हो जाता है और बाम टॉप पर पहुंच जाता है। तब एग्जामिनर बाम के कपड़ों पे बना हुआ निशान देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, फर्स्ट प्लेस पर वॉयल आया है। और हमें पता चलता है बाम नाम चेंज करके टावर पर चढ़ रहा है। तब अपने आप को हारा हुआ देखकर नीसेंग और जा रोने लगते हैं, पर तभी उन्हें एक ट्विस्ट पता लगता है कि जो पर्सन फर्स्ट पर आएगा कि वो डिसाइड करेगा कि उसके साथ कौन सात लोग टावर पर आगे चढ़ेंगे। तब यहाँ एग्जामिनर वॉयल को चूज करने के लिए कहता है और तभी जा वॉयल के पास चला जाता है और उसके पैरों में झुककर वॉयल को उसे चूज करने के लिए कहता है। और तब हॉर्न भी वॉयल के कदमों में झुक जाता है। तब कांग मीसंग और जीवा वहाँ आ जाते हैं और वॉयल को उसे चूज करने के लिए कहते हैं। तब वॉयल कहता है, मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं चूज करूंगा, तो इसलिए प्लीज सभी को फेल कर दीजिए। तब एग्जामिनर कहता है, अगला टेस्ट टीम के साथ ही देना होगा, इसलिए तुम अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। तब वियोले फिर से मना कर देता है। तब जीवा कहती है, आखिरकार तुम इतने घमंडी क्यों हो? जो तुमने ये फेक निशान बनाया है इसे पहनकर तुम बेइज्जती महसूस नहीं कर रहे हो? तब वियोले कहता है, ये फेक नहीं है, मैं वियोले ग्रेस हूँ जो कि फक्स लेयर का कैंडिडेट है और मेरा मिशन जहाज और उसकी फैमिली को मारना है, तो इसलिए तुम लोग मेरे टीममेट्स नहीं बन सकते क्योंकि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। तब एग्जामिनर कहता है, तो अगर ऐसी बात है तो मैं और तुम एक गेम खेलेंगे और अगर तुम जीतोगे तो तुम अकेले अगले टेस्ट को दे सकते हो, पर अगर मैं जीता तो तुम्हें अपनी टीम सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी। तब सभी को अपने अपने रूम में रेस्ट करने के लिए कहा जाता है और यहाँ जीवा और ब्योल एक साथ रूम को शेयर कर रहे होते हैं। तब जीवा सोचती है, आखिरकार मुझे इसके साथ क्यों
रूम शेयर करना पड़ रहा है। रुको जरा, कहीं ये लड़की तो नहीं है? पर अगर ये असलियत में फक की मेंबर है तो अगर किसी को पता चलेगा कि मैं इसके साथ हूँ तो मेरी फैमिली की बहुत बदनामी होगी, पर मैं यहाँ पर फेल नहीं हो सकती, तो इसलिए मुझे इसके साथ काम करना ही पड़ेगा। और तो वो वियोले को अपने साथ नहाने का इन्वाइट करती है, पर हम देखते हैं वियोले मेंस बाथरूम में चला जाता है। तब यहाँ जा अपनी जहाज वाली अंगूठी ढूंढ रहा होता है। तब वियोले उस अंगूठी को उसके पास ले आता है और उसके ऊपर लगे हुए किंग जहाज के निशान के बारे में पूछने लगता है। तजा उसे बताता है कि वो फेक है और उसने ये बस फैशन के लिए पहन रखी है। तब यहाँ एग्जामिनर कहता है, टेस्ट डायरेक्टर आप चाहे जो मर्जी कह लें पर आप मेरे माइंड को चेंज नहीं कर सकते, हमें उस फक को हराना ही होगा। तब यहाँ डायरेक्टर कहता है, रुक जाओ लव, तुम एक एग्जामिनर हो तो तुम पर्सनली दुश्मनी के कारण कॉम्पिटिटर से बदला नहीं ले सकते, हम लोग रूल्स के हिसाब से काम करते हैं, तो इसलिए उस लड़की को टच मत करना। तब लव मना कर देता है और डायरेक्टर उसे बार बार समझाने लगता है, पर लव हमेशा उसे मना करता है। तब यहाँ जीवा वॉयल से कहती है, अगर तुम यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो जान लो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। आखिरकार मुझे तुमसे क्या चाहिए होगा? जैसे कि मेरी बॉडी। मैं तुम्हारी बॉडी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगी, अगर हम लोग अगले एग्जाम में सेम टीम में हुए मैं तब भी तुम्हें मार डालूंगी। तो यार हम देखते हैं जा और निया कार्ड गेम्स को खेलने के लिए हॉन और कांग को बुला लेते हैं और उसके बाद मी सेंग और गो सेंग को भी बुलाने चले जाते हैं। तब वो लोग देखते हैं मी सेंग को एक लेडी चॉकलेट दे रही होती है। तब हॉन वो देखकर थोड़ा सतर्क हो जाता है और मी सेंग से गो सेंग के बारे में पूछने लगता है। तब मी सेंग कहती है, गो सेंग ड्रिंक्स खरीदने गई है और तब ये लेडी मुझसे बात करने आ गई। तब वो लेडी कहती है, मैं एक ऑर्फनेज में काम किया करती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं बहुत सारे बच्चों को खुश कर सकूं। तब हॉन कहता है, अपने हाथ इस बच्ची से दूर रखो और यहाँ से चली जाओ। तब वो लेडी डर के मारे वहाँ से चली जाती है और हॉन कहता है, मी सेंग मुझे नहीं पता कि वो क्या है पर उसे खाना मत। तब जा कहता है, अब तुम अच्छे बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो, वो तुम ही थे ना जो चाहते थे कि ये यहाँ से चली जाए। तब हॉन उसे चुप रहने के लिए कहता है। तब वो लोग देखते हैं कि मी सेंग रोना स्टार्ट कर देती है। तब गो सेंग कहती है, तुमने फिर से मी सेंग को रुला दिया। तब जा मी सेंग को चुप कराने के लिए उनके साथ गेम खेलने के लिए कहता है, जिसे सुनकर मी सेंग रोना बंद कर देती है। तब वो लोग गेम खेलने के लिए रूम में चले जाते हैं जहां मी सेंग जीत कर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर थोड़ी देर बाद कांग सोने चला जाता है और गो सेंग मी सेंग को भी सोने जाने के लिए कहती है। तब गो सेंग कहती है, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर हम लोग इस जगह को छोड़कर इकट्ठे रहेंगे तो हम लोगों को बहुत मजा आएगा। हम सभी को टावर के बारे में भूल जाना चाहिए, माफ करना भूल जाओ कि मैंने ये कहा था, तो मैं भी सोने जा रही हूँ। तो यहाँ सोते हुए जा कहता है, निया चलो टेस्ट को पास करते हैं ताकि हम जाकर बहुत सारा खाना खा सकें और उसके बाद हम तुम्हारे रामन कूपन के जरिए सेलिब्रेट भी करेंगे। और तब वो सोने लगता है, पर तभी सभी के रूम में लगा हुआ डिवाइस बजने लगता है और तब लव कहता है, मुझे लगता है कि सभी ने आराम कर लिया है, तो चलो फिर अब टेस्ट को शुरू किया जाए, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब लव कहता है, अब हम सभी लोग द ट्रस्टवर्दी रूम खेलेंगे, इसमें कम से कम 7 लोगों की टीम को 6 रूमों को हासिल करना होगा, जिसके लिए सबसे पहले आप अपने रूम में रखे हुए रिमोट से एक लीडर और गेट कीपर को चूज करेंगे। यहाँ पर लीडर दूसरे रूम के साथियों को इकट्ठा करेगा या फिर दूसरों से रूम को छीन लेगा, और जो रूम लीडर के साथियों ने कब्जे में किए होंगे वो सभी लीडर्स को ट्रांसफर हो जाएंगे। गेट कीपर्स यहाँ पर सिर्फ अपने रूम में रह सकते हैं और दूसरे लोग सिर्फ गेट कीपर से ही रूम को छीन सकते हैं। लीडर्स अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर करके अपने साथियों को दे सकते हैं और तब वो पर्सन न्यू गेट कीपर बन जाएगा। पर याद रखिएगा, लीडर कभी भी गेट कीपर नहीं बन सकता। टीममेट्स बनाने के लिए लीडर को रिमोट के स्लॉट 1 में अपना कनेक्टर डालना होगा और जो उसका साथी बनेगा उसे अपने कनेक्टर को स्लॉट 2 में डालना होगा और उसके बाद ब्लू बटन को प्रेस करना होगा। और जब आप ओनरशिप को ट्रांसफर करोगे तो आप रिसीवर के कनेक्टर को स्लॉट 1 में डालोगे और गेट कीपर के कनेक्टर को स्लॉट 2 में और उसके बाद रेड बटन को प्रेस कर दोगे। आप लोग रिमोट से रूम्स को लॉक और अनलॉक भी कर सकते हो, पर एक चीज याद रखिएगा कि आप अपने रिमोट्स को रूम में मत छोड़ के जाना और एक टीम का मेंबर हमेशा रूम में जरूर रहना चाहिए और जो लास्ट रूम आप हासिल करेंगे वो रूम नंबर 608 होना चाहिए। तो इसमें जो टीम 7 मेंबर्स और 6 रूम को हासिल कर लेगी तो वो इस टेस्ट को जीत लेगी। ये सारे रूल सभी पर अप्लाई होते हैं, पर वॉयल तुम्हारे लिए अलग रूल्स हैं। मेरे पास तुम्हारा कनेक्टर है, जीबा और तुम्हारे कनेक्टर में दोनों लीडर्स और गेटकीपर
मेंबर्स के रोल हैं। तो इसलिए अगर तुम अपने कनेक्टर को मुझसे छीन लोगे और रूम को जीवा से छीन लोगे तो तुम जीत जाओगे, और तुम तब भी जीत सकते हो जब रिजल्ट के टाइम 7 से कम लोग बचेंगे। तो चलो अब टेस्ट को शुरू किया जाए। तो यहाँ गोसेंग टीममेट्स को इकट्ठा करने चली जाती है और मिसेंग को उसके आने तक दरवाजा ना खोलने के लिए कहती है। तब यहाँ प्रिंस कहता है, मुझे चीजें घुमा फिरा के करने की आदत नहीं है, तो इसलिए हम उस फक को मार देंगे। तब रोब डेविल कहता है, तो क्या आप अब बाहर जा रहे हैं? हाँ, पर उससे पहले मैं रिमोट को छुपा कर जाऊंगा, तो इसलिए सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लो। तब वो अपने रिमोट को छुपा लेता है और कहता है, अब अगर तुम हार भी जाओगे तो भी मेरा रिमोट छीना नहीं जाएगा, तो अब इस रूम का ध्यान रखना। तब यहाँ जीवा वियोल को कहीं जाने नहीं दे रही होती और कहती है, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुमने टीममेट्स को चुन लिया होता तो हम अभी तक खुश होते। सबका खुश रहना इम्पॉसिबल है, तो चलो फिर अब मुझे रिमोट दे दो। अगर तुम यहाँ से जाने वाली हो तो मैं तुम्हें रोक कर रहूंगी, मेरी फ्लेम्स को जियोन फैमिली के रैंकर्स भी नहीं रोक सकते। तो जीवा जैसे ही वियोल पर हमला करने लगती है, वैसे हम देखते हैं वो अपनी पावर से उसे रोक देता है और उसका रिमोट छीन कर कहता है, मुझे माफ कर देना पर तुम सभी लोग फेल होने वाले हो। तब आपस प्रिंस आ जाता है और वो भी वियोल को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर वियोल उसे भी पॉज कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ हम देखते हैं वो लेडी मिसेंग से मिलने आ जाती है और उसके दरवाजे को नॉक करने लगती है। तब यहाँ हॉर्न कहता है, अगर तुम गोसेंग के पास जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मैं इस रूम का ख्याल रखूंगा और तुम चिंता मत करो, मैं किसी से नहीं हारूंगा। तब कांग कहता है, तुम बाहर जा सकते हो, मुझे पता है कि तुम्हें भी मिसेंग की चिंता हो रही है। मुझे नहीं पता कि टेस्ट के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर तुम मिसेंग में अपनी खुद की बेटी को देखते हो। तब हॉर्न इस बात से मना कर देता है और कांग भी बाहर जाने से मना कर देता है। और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद हॉर्न ही बाहर आ जाता है और मिसेंग के दरवाजे को नॉक करने लगता है, पर कोई भी अंदर से जवाब नहीं दे रहा होता। तब उसे चिंता हो जाती है कि कहीं उनके रूम पर किसी ने कब्जा तो नहीं कर लिया, और वो जोर जोर से आवाजें देने लगता है। और हम देखते हैं उसे अपनी बच्ची याद आ रही होती है जिसे किसी ने छीन लिया होता है, और तब वो दरवाजा तोड़ने की धमकी देता है, पर तभी मिसेंग अंदर से मना कर देती है। तब हॉर्न कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, आखिरकार तुमने पहले जवाब क्यों नहीं दिया? मुझ पर ऐसे मत चिल्लाओ, मुझे डर लग रहा है। तो जल्दी से अब दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। गोसेंग ने मुझे दरवाजा खोलने से मना किया है, तो इसलिए मैंने पहले भी दरवाजा नहीं खोला था जब वो लेडी आई थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लेडी और मैं सेम है? तुम उससे भी ज्यादा बेकार हो, क्योंकि तुमने तो मुझे कैसे निकालने की कोशिश की थी, और मेरे मॉम और डैड ने कहा था कि मुझे उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं। तो हॉर्न वहाँ से जाने लगता है, पर मिसेंग उसे रोक लेती है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है, पर वो दरवाजा खोलने से मना कर देती है। तब हॉर्न दरवाजे के बाहर ही बैठ जाता है और कहता है, अगर तुम इतनी डरती हो तो आखिरकार तुम टावर पर चढ़ी क्यों रही हो? मेरे मॉम और डैड ने कहा था कि अगर मैं टावर पर चढ़ जाऊंगी तो मैं एक रिस्पेक्टेबल पर्सन बन जाऊंगी, तो आखिरकार तुम क्यों चढ़ रहे हो? मैं भी रिस्पेक्टेबल पर्सन बनना चाहता हूँ। तब वो लेडी फिर से वहाँ आ जाती है। तब उसे देखकर हॉर्न अपना हथियार बाहर निकाल लेता है। तब वो लेडी कहती है, मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर टीम अप करने आई हूँ। तब हॉर्न उस पर हमला करके कहता है, मैं तुम जैसे बेकार से लोगों पर विश्वास नहीं करता, जो लोग अनाथ लोगों की मदद करते हैं वो इस तरह की महंगी अंगूठियां नहीं पहनते। तब वो लेडी हॉर्न पर हमला कर देती है, पर हॉर्न को कुछ नहीं होता और वो उस पर हमला करके उसका मुंह बंद करके उसे वहाँ से ले जाता है। तब यहाँ जा कहता है, अगर कोई भी हमारे रूम में आएगा तो हम कूद कर उसे पकड़ लेंगे। पर तभी गोसेंग बड़े आराम से अंदर आ जाती है और कहती है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से अपना कैरेक्टर दे दो। तो जा कुछ नहीं कहता है। तो गोसेंग कहती है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो चलो फिर तुम मेरा कनेक्टर ले लो, और अब ये तुम पर है कि तुम मुझे अपने टीममेट बनाना चाहते हो या नहीं। आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो? मैं इतनी दूर सिर्फ लक की वजह से आ पाई हूँ और मुझे अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं तो सोच रही थी कि मैं टावर पर चढ़ना छोड़ ही देती हूँ, पर जब मैं तुमसे मिली तब मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया। मैंने देखा कि तुम इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हार नहीं मान रहे हो, तो इसलिए मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी तुम्हारे साथ टावर पर चढ़ूंगी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तो क्या इसका मतलब तुम अपनी तकदीर को मेरे भरोसे छोड़ रही हो? क्या मैंने तुम्हें इतना इंस्पायर किया है? अब खुद को इतनी इम्पोर्टेंस भी मत दो। तब यहाँ प्रिंस वियोले को ढूंढ रहा होता है और किम कहता है, सर बहुत बुरी न्यूज़ है, जब मैं आपके रूम के पास रुका था तब मैंने देखा
कि रोब डेविल मर चुका है। तब यहाँ गोसेंग और जा वापिस आ जाते हैं और तब और हॉर्न मिलकर रूम के अंदर चले जाते हैं। तब जा कहता है, तुम तो बहुत कमाल की हो, तुमने तो इस आदमी के लिए भी दरवाजा नहीं खोला। तब हॉर्न कहता है, चुप कर जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुम ऐसी बातें करते रहे तो मैं तुम्हें अपना टीममेट नहीं बनाऊंगा। क्या तुम लड़ना चाहते हो? तब गोसेंग कहती है, यहाँ पर कोई नहीं लड़ेगा, हम वियोल के वापिस आने तक टीममेट्स को इकट्ठा करना होगा। तब जा कहता है, पर हमें केयरफुल रहना होगा नहीं तो वियोल हमें मार डालेगा। तब हॉर्न कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि वियोल पक्का एग्जामिनर के पास गया होगा। तब गोसेंग कहती है, यह बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि मैंने पहले वियोल को हॉलवे में देखा था। तब जा कहता है, ऐसी बात है तो फिर तो हमें जल्द से जल्द एक और टीममेट को ढूंढना होगा। तब यहाँ प्रिंस कहता है, ये पक्का उस वियोल ने किया है, उसे जल्दी ढूंढो, मैं उसे मार डालूंगा। तब एक पर्सन कहता है, क्या तुम वियोल को पकड़ना चाहते हो? तो हमारे पास एक अच्छा रास्ता है, तो प्लीज हमें अपना टीममेट बना लो। तब यहाँ हम देखते हैं प्रिंस और उसकी टीम वियोल को ढूंढ रही होती है। तब प्रिंस कहता है, अगर तुम्हारे मेथड से हम उसे नहीं पकड़ पाए तो मैं तुम लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तब यहाँ वियोल लव के पास चला जाता है। तब लव कहता है, क्या तुमने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है? क्या तुम अब टीममेट्स के साथ इस टावर पर चढ़ना चाहते हो? पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम यहाँ पर किसी और रीजन से आए हो। कराका अभी अभी एक स्लेयर बना है और जब टेस्ट शुरू हुआ था तब उसे फक की तरफ से एक स्पेशल असाइनमेंट मिले थी जिसमें उसे एक स्पेसिफाइड रेगुलर को एग्जाम में मारना था ताकि वो दूसरे रेगुलर को पास करवा सके, या फिर उसे सारे रेगुलर्स को फेल करवाना था ताकि सिर्फ एक ही रेगुलर पास हो सके। ये सभी ऑप्शंस तभी हो सकते हैं जब टेस्ट के रूल्स को इग्नोर किया जाए, तो इसलिए मुझे उन लोगों की रिस्पेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है जो रूल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुम इस पिचिंग मशीन से निकले हुए कनेक्टर को ग्लव से पहले ही कैच कर लेते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा कनेक्टर दे दूंगा और तुम्हारे पास इसके लिए 3 अटेम्प्ट्स हैं। पर अगर तुम एक भी बार कैच ना कर पाए तो तुम इस टेस्ट में फेल हो जाओगे। पर अगर तुम अटेम्प्ट्स के पूरा होने से पहले ही हार मान जाओगे तो मैं तुम्हें बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ टावर पर चढ़ने की इजाजत दे दूंगा। इस टेस्ट में मैं तुम्हें कनेक्टर को पकड़ने से रोकूंगा और शायद इस प्रोसेस में मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, तो क्या तुम फिर भी इस टेस्ट को देना चाहते हो? तब वियोल कहता है और वो टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तब हम देखते हैं जैसे ही वो पिचिंग मशीन कनेक्टर को फेंकती है वैसे ही वियोल अपनी पावर को इस्तेमाल करके उसे रोक देता है और उस कनेक्टर को पकड़ने लगता है। पर लव लात मारकर उस कनेक्टर को दूर फेंक देता है। तब लव सोचता है, मैंने इसे अंडर एस्टिमेट किया, पर अब मुझे पता है कि ये क्या करने वाला है। चाहे ये अगले कनेक्टर को भी रोक लेगा पर ये उस कनेक्टर को पकड़ नहीं पाएगा। तभी हम देखते हैं वियोल लव पर हमला कर देता है। तब लव भी उसके हमले से बचकर वापस वियोल पर हमला कर देता है, पर वियोल उसके हमले से बच जाता है। और लव सोचता है, चाहे कुछ टाइम के लिए ही सही पर इसने मुझे रोक दिया था। एक स्लेयर प्लेयर से यही उम्मीद की जा सकती है, पर ये अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि एक कर को चैलेंज कर सके। और तब लव अपनी पावर से वियोल को एक जोरदार पंच मारता है और वियोल उस पंच को रोकने की कोशिश करने लगता है। पर हम देखते हैं लव के पंच के इम्पैक्ट की वजह से वियोल सीधा दीवार में जा लगता है। तब लव कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थे। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।